नमस्ते बिटिया, आई जेवीएन निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। टुडे आवर टॉपिक इज ट्रांसपोजिशन टेक्निक। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोजिशन टेक्निक। ट्रांसपोजिशन टेक्निक इज अ टेक्निक इन द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट इज रीअरेंज टू ऑब्टेन द साइफर टेक्स्ट। देर आर फोर टाइप्स ऑफ टेक्निक, दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन रेलफेंस टेक्निक, सेकेंड सिंपल कॉलमर टेक्निक, थर्ड सिंपल कॉलमर टेक्निक विथ मल्टीपल राउंड, एंड फोर्थ वन इज वर्नम साइफर, यानी कि हम लोग उसको वन टाइम पैड भी कहते हैं। अब देखिए, फर्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं रेलफेंस टेक्निक। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। रेलफेंस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, अपने मैसेज को डायगोनली हम लोग लिखते हैं। सपोज जैसे कि मेरे पास एक मैसेज है जिसमें हमने लिखा है कम टॉम, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसको क्या किया है, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो रहेगा, फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, इसमें हमें डेटा को क्या करना है, फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है और हमको अपने डेटा को डायगोनल वाइज लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है कम टॉम को, देखो हमने लिखा है सी ओ कम टॉम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे कि जो हमने ये मैसेज डायगोनल लिखा है इसको हम रीड क्या करेंगे, रो बाई रो करेंगे। तो हमारे देखो सी हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है, रो में लिखा है, और ओ हमारा सेकेंड रो में लिखा है। तो पहले फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको रीड करेंगे, देन इसके बाद हम लोग सेकेंड एलिमेंट को रीड करेंगे। देखो फर्स्ट एलिमेंट में हमें क्या दे रखा है, सी एम टी एम, और सेकेंड में दे रखा है ओ ई ओ एम, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेलफेंस टेक्निक को यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल वाइज लिखेंगे, देन इसके बाद रीड हम किस तरीके से करेंगे इसको, ठीक है, सिक्वेंशली रो बाय रो करेंगे। अब सेकंड है हमारा सिंपल कॉलमर टेक्निक। सिंपल कॉलमर टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, जो हमें डेटा गिवन होता, मतलब हमारे पास जो भी मैसेज होता है उसको हम पहले रेक्टेंगल बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कितने भी कॉलम बना सकते हैं, ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 कितने बना, आप जितने भी कॉलम्स बनाना चाहो। मैंने यहाँ पर 6 कॉलम्स लिए, ठीक है। तो कॉलम 1 से लेके हमने कॉलम 6 तक लिया। तो अब हमने लिखा है अपने मैसेज को, पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो सी ओ एम ई कम होम टुमोरो, क्लियर। अब सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि हमें इस मैसेज को रेक्टेंगल बॉक्स में लिखना है। सेकेंड में हम लोग अपने अकॉर्डिंग रेंडमली कोई भी नंबर हम चूज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक लिया है कि पहले मैं फोर्थ रो को कॉलम को काउंट करूंगी, देन उसके बाद सिक्स को, देन उसके बाद फर्स्ट को, देन इसके बाद टू को, देन इसके बाद फाइव को, देन इसके बाद थ्री को। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे नंबर्स को काउंट करना है, ठीक है, सेकेंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हमको ये नंबरिंग लिखनी है। तो देखो हमने यहाँ सबसे पहले फोर्थ लिया है, तो फोर्थ कॉलम में क्या क्या है, ई ओ डब्ल्यू, फिर उसके बाद हमने सिक्स लिया है ओ ओ, देन इसके बाद हमने वन लिया है सी एम आर, देन इसके बाद हमने टू लिया है ओ ई आर, देन इसके बाद हमने थर्ड लिया है एम टी ओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने इस मैसेज को राइट करेंगे, क्लियर, थर्ड स्टेप में। तो इस तरीके से देखो, फोर्थ में हमने लिखा था ई ओ डब्ल्यू ओ ओ सी एम आर ओ ई आर एच एम एंड एम टी ओ। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, सिंपल कॉलमर टेक्निक। अब इसी सिंपल कॉलमर टेक्निक को हम लोग थर्ड पॉइंट में है हमारा सिंपल कॉलमर टेक्निक विथ मल्टीपल राउंड। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो हम यही स्टेप रखेंगे, इसके बाद फिर हम दूसरा स्टेप कैसे करेंगे वो हम करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप तो हमने एक इसी एग्जांपल को वापस से लिया है, तो फर्स्ट में तो हमारे पास क्या निकला था, ई ओ डब्ल्यू ओ ओ सी एम आर ओ ई आर, क्लियर है। तो फर्स्ट टेबल में हमने यही किया था। अब फोर्थ पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि इस टेबल को फिर से हम 1 से लेके 3 तक चलाएंगे, जैसे कि हमने ये किया था। फिर से हमने एक टेबल बनानी 6, ठीक है। अब ये जो मैसेज मेरे पास आया था जिसको मैंने कन्वर्ट किया था ई ओ डब्ल्यू ओ ओ सी एम आर, उसको मैं वापस से कॉलम वाइज लिख लूंगी। अब अगेन अपना जो सेकंड स्टेप था उसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, क्या पहले कॉलम 4 देन 6 देन 1 देन 2 देन 5 देन 3, क्लियर है। तो जो नंबर मिलेगा उसको हम फिर से साइफर टेक्स्ट हमें जो मिलेगा उसको हम लिख लेंगे, और इसी तरीके से हमारा सेकंड राउंड भी खत्म हो जाएगा। और हम इस स्टेप को कब तक चलाएंगे, जितने की आपसे इटरेशन पूछ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 3 इटरेशन निकालनी है तो आप 3 इटरेशन निकालिए, 4 देन 4, अदरवाइज आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा वर्नम साइफर पैड। वर्नम साइफर इसका हम लोग वन टाइम पैड भी कहते हैं।
देखिए इसमें क्या है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप करेंगे कि जो हमारे पास जो नंबर दे रखा होगा, जो भी हमारे पास, सबसे पहले हमको क्या करना है, ए से लेके जेड तक अपनी कॉपी में कहीं नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, एक तो बना लीजिए, A0 है, B1 है, C2 है, D3 है, और इस तरीके से Z आपका 25 है। ठीक है, कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो नंबर मिलेंगे, इनपुट साइफर जो गिवन होगा, उस नंबर को भी हम सेम इसी तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब एक बार हमने कर लिया, फिर उसको हम टिक करते जाएंगे जो भी हमारा नंबर होगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों को, सबसे प्लेन टेक्स्ट जो गिवन है उसको, और जो आपसे साइफर टेक्स्ट गिवन होगा उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। साइफर टेक्स्ट मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वन टाइम पैड की वैल्यू आपको गिवन होगी, उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम लोग, अगर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, कंडीशन रख देंगे। अगर मेरे जैसे नंबर 25 तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन मेरा अगर उस टोटल नंबर का एडिशन मोर देन 25 हो जाता है, लाइक 26 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 28 हो गया, देन हम क्या करेंगे, उसको 26 में से माइनस कर देंगे और जो नंबर होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज 26 है तो मैंने उसको माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बचा, जीरो। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया हमने, प्लेन टेक्स्ट है मेरे पास, हाउ आर यू। ठीक है, और इसमें मैंने वन टाइम पैड यूज़ किया है, NCBT, जितने ही ये वर्ड्स होंगे उतने ही ये होंगे। अब मेरे पास प्रोड्यूस होके क्या आएगा, ये आएगा। अब कैसे आएगा, ये हमने बाद की बात देखी है। तो सपोज मेरे पास ये दो नंबर है, ठीक है, वन टाइम पैड की वैल्यू गिवन है और हमारे पास प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू गिवन है। तो हमने प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू है हाउ आर यू, तो हाउ एच पे 7014 W22, इस तरीके से हमने इसको नंबरिंग करी। अब हम ऐड करेंगे वन टाइम पैड को, तो हमने वन टाइम पैड हमारा ये दे रखा है, तो N किस पर है, C किस पर है, B किस पर है, तो हमने यहाँ पर इस नंबर का नंबरिंग कर दिया, ये ऊपर देख रहे हो। अब 7 प्लस 13 टोटल करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर दिया, 7 प्लस 13 20, 14 प्लस 2 16, 22 प्लस 1 23, 0 प्लस 19 19, 17 प्लस 25 42, 4 प्लस 6 20, इस तरीके से हमारा एडिशन हो। अब हम यह कंडीशन लगाएंगे कि सब्ट्रैक्ट इफ लेस देन 20। अब देखो इसका 25 है, सॉरी लेस देन 25। ठीक है, तो अब ये नंबर जो है ये 20 है, मतलब लेस देन है 20 से, तब तक तो ठीक है। अगर ग्रेटर देन है 26 से तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ मैं लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्ट 26। ठीक है, अगर मेरा ये जो नंबर है, ठीक है, अगर मेरा नंबर मोर देन 26 है देन हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 25 है तब तक तो ठीक है, इट्स ओके। अभी देखो फर्स्ट 20 है, इट्स ओके, 16 है, इट्स ओके, 23 है ओके, 19 है ओके। अब देखो 42 है ये नंबर मेरा, अब 42 क्या करेंगे हम लोग, 26 में से माइनस कर देंगे, मतलब ये जो नंबर लिखा है इसको माइनस कर देंगे 26। ठीक है, तो 42 माइनस 26 इज 16। ठीक है, अभी 20 है, चलेगा, ठीक है, चलेगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 24, इट्स चलेगा। अभी 31, 31 नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 31 माइनस 26 दैट इज 5, ओके। देन 43, 43 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस 26, हो गया हमारा 17। अब ये जो सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब इसके बाद 20 मतलब यू, 16 मतलब क्यू, और 23 मतलब एक्स, और इस तरीके से हम उन सारे नंबर्स की वैल्यू लिख देंगे। अब ये जो मेरा वैल्यू मिला, ये मेरा क्या हो गया, वर्णम साइफर पैड का साइफर टेक्स्ट वैल्यू, जो कि मेरा यहाँ पर गिवन है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोजिशन टेक्निक को पढ़ते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन मैसेज मी, देन मैसेज ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।